नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HPSC जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके द्वारा हाल ही में जो दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं नए एग्ज़ाम को लेकर, और अगर आप इन दोनों के दोनों नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाले आइकॉन ऐसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय जब ये जो HPSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं hpsc.gov.in, या फिर इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो अनाउंसमेंट में आपको ये जो नोटिस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाल ही में जो ये दो नोटिस जारी हुए हैं, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ SES एग्ज़ाम ये BR एंड अदर अलाइड सर्विस प्री एग्ज़ाम 2021। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस है ये रहेगा अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ डेंटल सर्जन एग्ज़ाम 2021। तो दोनों ही ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए हैं, तो बारी बारी से इनको देख लेते हैं। तो पहले जो हम यहाँ पर ये जो आपका HCS वाला जो एग्ज़ाम है इसको देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है, और ये देख सकते हैं अनाउंसमेंट है, और इट हैज़ बीन डिसाइड बाय द कमीशन टू कैंसल द HCS एग्जीक्यूटिव BR एंड अदर अलाइड सर्विस प्री एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 12/9/21। तो ये एग्ज़ाम जो यहाँ पर 12/9/21 को हुआ था, और एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 10/7/21/22। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12/9/21 को, तो ये तो जाए इसकी जगह पर जो एग्ज़ाम है अब ये 10/7/2022 को होगा। एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 10/7/22, और नो फ्रेश अप्लीकेशन आर बींग इन्वाइटेड। तो इसके लिए कोई नया कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट 3/21 डेट 26/2/2021 वर फाउंड एलिजिबल फॉर बाय द कमीशन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम हेल्ड ऑन 12/9/21 विल बी एलिजिबल टू अपेयर इन HCS एग्जाम। तो जो यहाँ पर ये जिन्होंने एग्जाम दिया था 12/9/21 वाला, तो वहीं जो है यहाँ पर कैंडिडेट ये 10/7/22 वाला भी दे सकते हैं, और फ्रेश कैंडिडेट इसके लिए आप जो एलिजिबल नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण ये नोटिस था, तो जो एग्ज़ाम यहाँ पर 12/9/21 को होने वाला था, तो अब ये आगे आपका 10/7/22 में होगा, और कोई जाए नए कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो साइट पर हम वापस चलते हैं, और ये जो आपका दूसरा जो यहाँ पर नोटिस है अनाउंसमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ डेंटल सर्जन एग्ज़ाम, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो नोटिस है ये आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट है, और इट हैज़ बीन डिसाइड बाय द कमीशन टू कैंसिल द रिटर्न एग्ज़ाम फॉर 81 पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन क्लास 2 इन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो है यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम जो था 81 पोस्ट वाला, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया है, और ये आप देख सकते हैं हेल्ड ऑन 26/9/21 जो 26/9/21 को था, और रिटर्न एग्ज़ाम फॉर दिस पोस्ट विल नाउ बी हेल्ड ऑन 19/6/22, और ये जो अब यहाँ पर 19/6/22 को होगा। तो पहले वाला यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, अब ये जो है 19/6/22 को होगा, और नया कैंडिडेट जो इसके लिए कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था वहीं जो यहाँ पर एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। ओनली द कैंडिडेट हु हैड अर्ली अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट 2/21 डेट 25/2/21 एंड वर फाउंड एलिजिबल बाई द कमीशन फॉर अपेयरिंग इन द रिटर्न एग्जाम हेल्ड ऑन 26/9/21 विल बी एलिजिबल टू अपेयर इन द रिटर्न एग्जाम 19/6/22। तो जो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है, तो वही जो आप यहाँ पर एग्ज़ाम ये दे पाएंगे। नई डेट जो आपकी ये आ चुकी है 19/6/2022 को जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और ये पहले वाला जो एग्ज़ाम है ये आपका कैंसिल हो गया है। तो ये जो हाल ही में दो महत्वपूर्ण जो अपडेट जारी हुई है, तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।